हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम इंग्लिश थी मैरीगोल्ड जो है हमारी, उसमें आगे का हम फिनिश करेंगे। इसमें अभी आपको मैं दिखा रही हूँ लुक लिसन एंड रिपीट, ये आपकी मैरीगोल्ड की जो वर्कबुक है उसमें पेज नंबर 21 पे है। तो आप लोगों को ये, आपको एनिमल्स तो सारे आपने देखे हैं, ये सारे डोमेस्टिक और वो सारे एनिमल्स हैं। तो एनिमल्स कैसे कैसे वो आवाज़ निकालते हैं ना, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। सबसे पहले है अ कैट म्यूज, जो आपने बिल्ली की आवाज़ सुनी है ना, जो बिल्ली आवाज़ करती है, तो जो बिल्ली आवाज़ करती है उसे हम क्या कहते हैं, म्यूज। फिर है डॉग, डॉग है डॉग, डॉग जो मतलब आपको पता है ना कुत्ता भौंकता है, तो उसे जो भौंकना है ना उसे कहते हैं बार्क्स, तो अ डॉग बार्क्स। फिर है काऊ, काऊ है तो काऊ जो आवाज़ निकालती है उसे कहते हैं मूज। फिर है गोट, गोट जो आपको पता है ना वो बैं बैं ऐसे बकरी करती है, तो उसे गोट है वो आवाज़ करती है उसे कहते हैं ब्लीट्स। फिर है लायन, लायन की आपकी आवाज़ सुनिए ना, वो जंगल में ऐसे आवाज़ करता है तो सब डर जाते हैं, तो लायन है वो करता है रोर्स, जो गर्जना करता है ऐसे उसे कहते हैं रोर्स। फिर है पिग, पिग है वो क्या करता है ग्रंट्स। फिर है अ शिप, शिप है वो क्या करता है ब्लीट्स। और फिर है डोंकी, और डोंकी आपने वो गधे की आवाज़ सुनी है ना, वो चिल्लाता है, तो अ डोंकी है वो करता है ब्रेस। तो ये यहाँ पे मैंने जो आपको सीखा है उसकी ये एक्सरसाइज है। जैसे यहाँ पे ये क्या है तो गोट है, तो ये रही गोट, तो गोट क्या करती है ब्लीट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये ब्लीट को ऐसे सर्कल करेंगे। ठीक है, तो आज का आपका होमवर्क ये है, पेज नंबर 21 और पेज नंबर 22, ये आपको अपनी मैरीगोल्ड की वर्कबुक में करना है। थैंक यू।